Recordala de campus. Here is why campus. Campus. सैकड़ों की संख्या में हाथों में बैनर और पोस्टर लिए ड्यू प्रशासन और एनएसयूआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इन छात्रों का आरोप है कि डूसू चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होने के बाद भी रॉकी तुशीद का चुनाव लड़ना अपने आप में सवाल खड़े करता है। इनका कहना है कि रॉकी तुशीद के नॉमिनेशन रद्द करने के लिए कई ग्राउंड थे और पहले से ही एबीवीपी इसकी मांग भी करती आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद रॉकी तुशीद को डूसू चुनाव लड़वाना अपने आप में संदेहास्पद है। इन लोगों ने रॉकी तुशीद के कार्यकाल में 8 लाख रुपए के वेलफेयर फंड खर्च की जांच की मांग भी की है। मैं यहाँ पे आज फैकल्टी के इस प्रांगण में कॉन्फ्रेंस सेंटर के सामने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, जिन मांगों को लेकर के हम शुरुआत से ये बोल रहे थे कि रॉकी तुशीद जिसने नाम बदल करके एडमिशन लिया डीयू के बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, उसका कैंडिडेचर पहले ही कैंसिल हो, उसको कहने के बावजूद, कितनी कंप्लेंट्स डालने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने जब कैंसिल कर दिया और वो इंटरिम रिलीफ लेकर के कोर्ट से आया और उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिली, बट जो हमारे जितने भी आरोप थे वो सारे के सारे आज सत्य साबित हुए हैं। इसी के लिए हम आज दिल्ली प्रशासन के अगेंस्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। साथ ही एबीवीपी से जुड़े इन छात्रों का कहना है कि डीयू प्रशासन कोर्ट के फैसले के बाद आधिकारिक तौर पर रॉकी तुशीद के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनकी जगह किसी दूसरे को अध्यक्ष पद पर बैठाए। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।